सो एघात वाट छ वेलकम ब्याक टु द न्यू भिडियो छ. आज पनि मसँग फ्री फायर गेमिङ कम्युनिटीसँग रिलेटेड एकदमै इम्पोर्टेन्ट एन्ड इन्ट्रेस्टिङ न्युज एन्ड अपडेटहरू रहेको छ होइन, त्यसैले चाहिँ भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला. सो आजको हाम्रो फर्स्ट अपडेटको बारेमा कुरा गरौँ. हाम्रो फर्स्ट अपडेट रहेको छ देशी गेमरबाट. सो देशी गेमर चाहिँ एउटा कुरालाई लिएर एकदमै इरिटेट हुनु भएको रहेछ. देशी गेमरको सब्सक्राइबरहरू चाहिँ उहाँको पर्मिसन बिना घरमा नै आउने रहेछ. घरमा आएर मात्र पनि प्रब्लम होइन कि उहाँलाई होइन. सो उहाँको चाहिँ घरको फोटोहरू खिचेर होइन, उहाँको पर्सनल प्राइभेट कुराहरूको फोटो खिचेर चाहिँ इन्टरनेटमा हालिदिने रहेछ होइन, जस कारणले चाहिँ उहाँलाई एकदमै प्रब्लम भइरहेको रहेछ. अन्त मैं आपके घर में आया था ब्रो, मेरे घर में मत आया करो कोई भी, जिसको भी मेरे घर पता है. मेरे घर में मैं नहीं मिलता, ठीक है? आप मेरे इंटरनेट पे इंटरेस्टिंग देखते हो, मिलो रियल लाइफ पे, तो घर से मत आया करो, क्योंकि घर एक प्राइवेट स्पेस है यार. कल मैंने एक बंदे को डांटा इंस्टाग्राम पे, पता है वो मेरा घर का, मैं घर पे था भी नहीं, घर का फोटो वोटो क्लिक करके टैग कर रहा है यार. मैंने बहुत गाली दिया उसको, गाली नहीं दिया, बहुत समझाया उसको भाई, गलत है, बड़ा गलत है, गलत है. फोटो वोटो डाल देते हैं यार, मैं अपने घर वालों को खुद नहीं दिखाता तो तुम कौन होते हो दिखाने वाले, बोलो. गलत है ना, ऐसे बेसम मतलब ऐसे लाइक ना समझ लोग तो आओ मत, मुंह पे बोलता हूँ, बुरा लगे तो लगो. मार्केट मार्केट में है क्या कोई? अरे नहीं, जहाँ भी हो ना, बट अब तेरे को मान ले तेरा घर मुझे पता है, मैं तुझे दिखा सकता हूँ ना, तू तो इंटरनेट पे है. मैंने खुद जो चीज नहीं दिखाया है वो बाकी लोग कैसे दिखा सकते, मतलब कॉमन सेंस तो भाई है ही नहीं किसी भी नहीं. पहली चीज यार गाइस प्लीज देखो, जो भी लोग मेरे घर के आसपास मेरी सिटी में रहते हैं जिसको मेरा एड्रेस पता है, आप लोग मत आया करो, क्योंकि ना अपना एक प्राइवेट स्पेस होता है. मैं अपने घर में एकदम मस्त तरीके से बैठ सकता हूँ, घूम सकता हूँ, आस पड़ोस में जाके बातचीत कर सकता हूँ. अब यहाँ पर भी यार वो फैन सब्सक्राइबर क्रिएटर वाला मोमेंट होगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा पहली चीज. और सेकंड चीज यार सब लोग ना, तुमने तो फोटो इंस्टा में डाला था, थैंक यू सो मच, आपने यूट्यूब पे नहीं डाला, लोगों ने यूट्यूब पे भी डाल दिया था एक बार, तो बुरा लगता है टू बी ऑनेस्ट, बहुत बुरा लगता है. हालांकि मैं घर में रहता भी नहीं जाता वो वाले घर पे, बट स्टिल अगर घर से बाहर, घर से लाइक 200-300 meters दूर कहीं पर मिल जाऊं तो बेझिझक मिलो. अरे अमित द्वा एकदम पागलों की तरह मिलो, मैं भी मैं अच्छा लगता है मुझे तुम लोग मिलते हो, अच्छा लगता है. मैंने आज तक किसी को ऐसा नहीं मिलने आया और उसे भगाया नहीं. तपाईँहरू सबैजनाले देख्नु भएको छ होला कि युजी एप्सले चाहिँ एकदमै मेहनत गरेर चाहिँ बिडी सर्भरमा ऱ्याङ्क पुस गरिराख्नु भएको थियो होइन. सो अहिलेको टाइममा चाहिँ उहाँको आइडी चाहिँ ब्ल्याकलिस्ट भएको छ होइन, विदाउट भ्यालिड रिजन चाहिँ ब्ल्याकलिस्ट भएको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ होइन. सो यसको बारेमा उहाँले के भन्नुभएको छ हेर्न सक्नुहुनेछ. तो भाई लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, ये देखो ये टॉप वन पे भाई चल रहा है, इसका स्कोर है 67,000 करीब, 67,000, देखना ध्यान से. और जब मैं अपनी आईडी पे जाऊंगा तो मेरा स्कोर ध्यान से देखो कितना है, 76,000, उससे 10,000 ज्यादा है. टॉप वन पे मेरे को शो नहीं कर रहा है, मेरे को ब्लैकलिस्ट कर दिया पिछले 7-10 दिन से. और इसका रीजन बताया जा रहा है गाइस कि मेरी आईडी ना कीड़ी ज्यादा हो गई है. क्या कीड़ी ज्यादा होने से ब्लैकलिस्ट होता है क्या? आप रिप्लाई देके बताना यार. नेक्स्ट न्यूज रहेको छ हाम्रो टोन्डे गेमरबाट. सो टोन्डे गेमरलाई चाहिँ उहाँको सब्सक्राइबरले भनिरहेको हुन्छ कि टोन्डे गेमर फर्गेट हिज आइकोनिक वर्ड भनेर भन्नाले होइन, उहाँले चाहिँ पहिला पहिला रिसाउँदा बोल्ने शब्दहरू चाहिँ आजकल बोल्नु हुँदैन, बिर्सिनु भयो भनिरहेको हुन्छ. सो यसको बारेमा रिप्लाई दिँदै उहाँले के भन्नुभएको छ हेर्न सक्नुहुनेछ. द टोन्डे दाइ फर्गेट हिज आइकोनिक वर्ड जाटा एन्ड तेरो भएको टाउको, अहिले यस्तो बोल्न मन लाग्दैन यार. कहिले कहिले भिस उठेमा निस्किहाल्छ त्यो अलग कुरा हो, आफ्नो छोरा छ अब त्यो कुराहरू अब कहिले कहिले स्टिम हेरेर हुन्छ सिक्छ नि त, त्यही भएर यस्तो शब्दहरू चाहिँ अलिकति अभोइडै गर्न कोसिस गरिरहेको छु, सालेसम्म पनि अभोइड गर्न खोजिरहेको छु, बिस्तारै बिस्तारै अभोइड हुन्छ, एकैचोटि छुट्दैन नि त बोलिरहेको चिजहरू. नो रफ वर्ड्स. टोन्डे गेमरलाई चाहिँ ज्ञान गेमिङको हेल्थ कन्डिसनको बारेमा पनि सोधिरहेको हुन्छ होइन. सो यसको बारेमा चाहिँ उहाँ पनि हल्का निराश देखिराख्नु भएको थियो होइन. सो तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ उहाँले के भन्नुभएको रहेछ. ज्ञान भाइ कैसे है, क्या बोले यार, इसमें सही तो नहीं है जब तक. देखो यार दोस्तों, देखो फिजिकली मतलब कुछ चोट वोट होने लगता तो सही है, अभी रिकवर हो चुके हैं बोल सकते हैं, ठीक है, अब उतना चीजें हो चुका है, सही होकर भी सही नहीं है, ठीक है, वो तो लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा है ना, जिसको होता है उसको ही पता है भाई कितना है, क्या कुछ गुजर रहा होगा, कितना कुछ बुरा लग रहा होगा, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ. तपाईँहरू सबैजनाले सुन्नु नै भयो टोन्डे गेमरको मुखबाट ज्ञान गेमिङको हेल्थ कन्डिसनको बारेमा होइन. सो उहाँको हेल्थ कन्डिसन यस्तो हुँदा पनि मान्छेहरू चाहिँ उहाँलाई भेट्ने बाहनामा चाहिँ भिडियो सिडियो बनाउँछन् होइन, जस कारणले चाहिँ ज्ञान गेमिङलाई चाहिँ हल्का अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ, उहाँलाई यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ नराम्रो फिल हुन्छ भनेर चाहिँ प्रियङ्का ब्लग्सले सेयर गर्नुभएको छ होइन. सो अरू पनि थुप्रै कुराहरू भन्नुभएको छ, अगाडि आफै हेर्न सक्नुहुनेछ. और आके ऐसे ही फोन निकल के वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इसमें ना सुजन बहुत इरिटेटेड होता है.
तो सुजन अभी किसी से मिल भी नहीं रहा है। इवन अगर मैं भी बोल रही हूँ ना कि मेरा कुछ दोस्त आने वाला है तुमसे मिलने, तो सुजन का पहले ही उसका दिमाग में ये चल रहा है कि आएगा क्या। मतलब सुजन को तो सब लोग कंटेन कर लिया है, मतलब आ भी रहा है तो ऐसे फोन पकड़ के वीडियो करता है, ये करता है, ज्ञान भाई आप ऐसे है, हाँ बहुत दिन बाद ज्ञान भाई से मिल लिया, ज्ञान भाई का हालात ऐसा है। अरे यार सुजन को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब ना हम लोग मुंह में नहीं बोल सकते उन लोगों को कि ऐसा मत करो। तो अगर कोई भी उसका दोस्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आप लोगों को सुजन से मिलना है ना, तो प्लीज नॉर्मली आओ, सुजन से मिलो एंड प्लीज बातचीत करो, उसमें उसका भी अच्छा लगता है। लेकिन जब ना वो लोग वीडियो बना के चला जाता है ना, तब सुजन ऐसा है मुझे बोलते हैं कि देखो ऐसे वीडियो बनाने के आया, मतलब मुझे कंटेंट समझ लिया। तो ये ना मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो इसीलिए मैं अभी सुजन से किसी को मिलने नहीं दे रही हूँ। नॉट मी, सुजन खुद बोलता है मुझे कि मतलब मेरे भी कुछ दोस्त भाई लोग बोलते हैं कि मैं सुजन दा से मिलने आ रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, लेकिन मैं ही बोल रही हूँ कि अभी वो थोड़ा सा इरिटेटेड है ये सब चीज़ के लिए। तो यही है जो है, और यही बोलना था कि सुजन के मम्मी पापा को लेके जो आप लोग डीएम्स करते हो कि क्यों नहीं आया, क्यों ये नहीं, तो वो इमोशनल पार्ट हम लोग नहीं दिखा सकते। और कुछ कुछ फैमिली में भी कुछ बात होते हैं जो हम लोग वो मतलब होता है ना, वो सिचुएशन कैप्चर करना भी हम लोगों के लिए बहुत हार्डेस्ट है। सो एज गाइज, भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ कृपया लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र गाइज, अहिलेसम्म तपाईँहरूले मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज गाइज इन्स्टाग्राममा पनि फलो गरिदिनु होला, होइन। म त्यहाँ चाहिँ होइन आफ्नो लाइफ अपडेट दिइरहने छु, होइन। सो आजको लागि यति नै, टिल एन्ड टेक केयर, बाइ बाइ, जय नेपाल।